वाराणसी में आज शाम प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट वाराणसी है, यहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां चुनाव को लेकर क्या है माहौल, आइए देखते हैं। खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, आज तक ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अगर बनारस आए और पान पर चर्चा नहीं हुई तो फिर क्या हुई। आज हम सबसे मशहूर पान की दुकान में मौजूद हैं और यहाँ कई बड़े नेता आ चुके हैं, इसलिए इस दुकान का नाम भी नेताजी पान भंडार है। यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटीज आकर पान खा चुके हैं, कई लोगों ने चर्चा भी की है। चुनाव पर आम लोग जो यहाँ से आते जाते रहते गुजरते हैं, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, कोई भी यहाँ से पान बगैर खाए नहीं जाता है। आज पान की दुकान से शुरू करेंगे ये चर्चा और जानेंगे कि वोट डालने से पहले जनता के दिल में क्या है, क्योंकि ये पान जो सबसे मशहूर है ये आपको हर व्यक्ति के मुंह में दिखाई देगा, क्योंकि इसके स्वाद के बगैर बनारस में लोगों का चलना फिरना अधूरा है। भैया बताइए कैसा नेता चाहिए आप बताइए। पान अच्छा है और उसको नेता भी चाहिए, जुझारू नेता चाहिए, जो हम लोग के बारे में कम से कम अच्छी अच्छी योजनाएं दे, हम लोग के बारे में बेरोजगारों को रोजगार मिले, ऐसा चाहिए। अच्छा, 1 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे तो आपके अंदर होगा ना कि हमें नेता कैसा चाहिए। हमारा नेता तो बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी जी चाहिए हमको। कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है मोदी जी? देखिए, जो कभी यहाँ पे हुआ नहीं डेवलपमेंट, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितने डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे टोटल हम लोग बेरोजगार थे, आज रोजगार है। अच्छा, यहाँ पर तो कई लोग आते हैं पान खाने, सबसे फेमस है, पान पर चर्चा भी होती है आप लोगों की, क्या चर्चा हो रही है, कितना बदला बनारस? बनारस तो बहुत बदला मैम, बनारस इतना ज्यादा बदल गया कि समझ लिए हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं। हम लोग को किसी चीज की कभी कोई चीज की टेंशन नहीं है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। हम लोग की आमदनी भी बढ़ गई है, पहले हम लोग मंथली बेस पे थे, हम लोग स्टाफ आदमी है, हम लोग पहले मंथली बेस पे थे, अब क्या है कि हम लोग यात्री बेस पे भी काम करने लगे, हम लोग की आमदनी बढ़ गई है। हर हर महादेव। चलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप बताइए नेता कैसा चाहिए? हमारे मोदी जी जैसा नेता ही होना चाहिए और किसी के जैसा नहीं, हम लोग के मोदी जी ही सही है। कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है? बनेंगे हर हाल में 100% बहुमत के साथ। अच्छा, कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है? सर ये नहीं मालूम, लेकिन बहुमत की सरकार बनेगी। कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है? हमारे मोदी जी में सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कहते हैं वो करते हैं, सबसे बड़ी उनकी तो विशेषता पहली है। और दूसरे थी, ऐसा निर्भीक आदमी हमको कभी समझ में नहीं आया, बिना डर का काम करने वाला, हर तरह से जो कहते हैं करते हैं।